अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो मैं अपडेट लेकर आया हूँ वो एजुकेटर्स की भर्ती के हवाले से है। आपको जैसे कि मालूम है कि सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर ये खबर जो है गर्दिश कर रही है, और कल से इंशाल्लाह यानी 28 अक्टूबर से ये पॉलिसी जो है कहा जा रहा है कि वो तैयार हो जाएगी, और उसके बाद इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि टीचर की भर्ती का इश्तहार जो आ जाएगा। तो नाज़रीन, आज की जो अपडेट है इसमें जो मुराद राज साहब ने एक बयान दिया है वो इंतहाई हैरान कुन बयान है और परेशान कुन बयान भी है जो एजुकेटर्स भर्ती होंगी, और क्या ये वाकई सच होगा तो इसके बारे में बताने लगा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मौसूल करें। अब मैं लेकर चलता हूँ उस बयान की तरफ। सारे जवान लोग बैठे थे, मैं तो बहुत बुरा हूँ, आप सारे जवान लोग बैठे हुए हैं, चक्कर में खत्म कर जो नए लोग भाई होंगे वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में होंगे। मैं आपको कहता हूं क्यों, बहुत बड़ा बोझ पेंशन और हुकूमत के ऊपर पड़ा, बहुत बड़ा पड़ा, अरबों रुपए का ऐसा। तो कॉन्ट्रैक्ट में लोग भाई जो जो परफॉर्म करे वो रहे, जो नहीं रहे परफॉर्म करेगा उसको फायदे कर देखो। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी सारे परफॉर्म नहीं करते, स्पेशली रेगुलराइज लोग तो बिल्कुल नहीं करते, वो कहते हैं छुट्टी ठीक है। सो ये रेगुलराइजेशन वाला मैंने और बोझ नहीं डालना, आप लोगों की जो जो अभी तक है वो सब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, मेरी कोशिश यही है। मगर आगे से जो हम हायरिंग करेंगे ये रेगुलराइजेशन वाला परमानेंट वाला ही होगा। नेक्स्ट है हमारा सर, आज